भाई टेस्ला साइबर ट्रक का दुबई लॉन्च इवेंट और हम आ चुके हैं भाई फाइनली यहाँ पे डब्ल्यू दुबई में, जो कि बीच साइड पे टेस्ला लॉन्च हो रहा है साइबर ट्रक। इस तरफ हमारे पास में काफी स्वाद स्वाद खाने से भी है। टेस्ला साइबर ट्रक से ज्यादा एक्साइटमेंट तो हमें इस चीज की है। फिर उसे यहाँ पे तीन कारें लगा के रखी है इन लोगों ने, विच इज अ मॉडल 3, मॉडल वाई एंड द साइबर ट्रक इटसेल्फ। उस तरफ आप देखो वहाँ पे एन दुबई, इस तरफ यहाँ पे पूरा दुबई मरीना वाला स्काई स्क्रैपर्स वगैरह सारे हैं, उधर बुर्ज अल अरब और इस साइड भाई यहाँ पे एटलांटिस द पाम है। तो सारी ही पॉपुलर बिल्डिंग्स हमारे पास में एक ही फ्रेम में है, जो कि मैंने आज आपको दिखा दी। भाई साहब लॉन्च इवेंट रखा है इन लोगों ने कड़कती धूप में। मैं मतलब बाल वाल सेट करा के आया था, ऊपर जेल वेल लगा के जेल पिघल गया धूप में, फिर बाल जो है नीचे बिठाने पड़े। साइबर ट्रक पीछे खड़ा है। एक चीज़ मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इनका जो ये मॉडल 3 है और जो वहाँ पे मॉडल वाई है, ये बेचारे दोनों अनाथ हो गए हैं। मतलब कोई भी नहीं पूछ रहा, सब साइबर ट्रक में घुसे पड़े हैं। And Mo is also already here. Good morning. This is launch event for you. Beautiful. Yeah. You like the concept of beachside launch event? I love it. It's on the beach, you know. It's a nice way to launch the Tesla Cybertruck, yeah. I guess. Yeah, I thought when I'm coming, it will be like red. I thought it's going to be inside a salon, like it's at the beach. This is like the most Dubai way to do it, you know? That's what I thought. But it's simple, sweet. Oh, crazy. I love it. I'm actually like mesmerized right now. I didn't expect this, so... बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है भाई। साउंड भी कार्स के अंदर से आ रहा है और लाइट्स तो ऑब्वियसली यहाँ से आ ही रही है। भाई साहब ये है हमारा टेस्ला साइबर ट्रक। कहने को तो ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, लेकिन इसका शीशा है, हमारे एलोन भैया ने इसमें अड्डा मारा था और ये टूट गया था, तो समझ नहीं आई वो चीज़। एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, इसकी जो स्टेनलेस स्टील है वहाँ पे भाई देखो हाथ के पंजे छप जा रहे हैं, तो ये चीज़ फ्रेश छप रहे हैं भाई साहब एकदम। तो आपको बार बार ना पूछना पड़ेगा इस चीज़ को गारंटी के साथ। टायर लेकिन मेरे को बहुत ही अच्छे लगे। डेफिनेटली ये गाड़ी राक्षस प्लेनेट से आई है, बिकॉज शेप तो अतरंगी है ही, टायर भाई बहुत बड़े बड़े हैं। अब दुबई के एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को ये सूट भी करता है, बिकॉज डेजर्टेड कंट्री है, तो यहाँ पे रेती में चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा इस वाली गाड़ी को। डोर कैसे खुलेगा सारी चीज़ आगे देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस करी भाई, यहाँ पे कैमरास बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। एक यहाँ पे भी कैमरा है, पीछे की साइड में भी मैंने अभी नोटिस करा था, ये शायद डोर को खोलने के लिए रहेगा, इसको देखेंगे आगे। हाथ के पंजे बाकी आप देख सकते हो ऑल ओवर द कार, और यहाँ पे भी हमारे राक्षस प्लेनेट वाले टायर देके रखे हुए हैं। डिक्की देखो भाई, डिक्की देखो। मेरा मतलब ये प्लान है, इसको दुबई में ले ले, रेंट से बच जाएंगे, यहीं पे रात को सो लिया करेंगे, एसी वेसी आई होप पीछे आए तो बहुत सारा रेंट बच जाएगा। बस एक बार की इन्वेस्टमेंट करनी है साइबर ट्रक खरीदने की। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो भाई बटन वटन दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह आई थिंक ओपन होगा, ओके यहाँ पे। और ये वाला जो बटन है ये इसके ग्लास को ढकने के लिए है, मतलब आप ये मान सकते हो कि टेस्ला साइबर ट्रक के कर्टेन्स है ये। घर के अंदर कितनी धूप आए उसके लिए कर्टेन्स होते हैं, टेस्ला में कितनी लाइट आए उसके लिए ये वाला बटन देके रखा हुआ है। अंदर आपको चढ़ के दिखाता हूँ भाई। मैंने आपको बोला था कि मैं इस वाले के अंदर रहना शुरू कर दूंगा, रेंट बच जाएगा, तो देखते हैं कि क्या। मैं आ पाता हूँ पूरा भाई, जगह तो इनफ है लेकिन तिरछा होके सोना पड़ेगा कुछ इस तरह। बाकी इस तरफ हमारा कुछ ना कुछ सामान आ जाएगा। डिक्की बंद हो चुकी है और आई एम एट द टॉप ऑफ टेस्ला साइबर ट्रक। उतरने के लिए फिर से हम बोले, बड़े आराम से खुलती है ये और कुछ इस तरह कूद के आप बाहर आ सकते हो। ये भाई साइबर ट्रक के फीचर्स लिखे हुए हैं, ये बोलते हैं कि भाई ये चली जाएगी 4.1 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर तक, फ़र्क नहीं पड़ता। टॉप स्पीड इसकी 180 है। यहाँ पे वेट लिखा हुआ है इसका, 3000 किलो का वेट है। आई एम नॉट श्योर, 20 इंच के टायर देके रखे हुए हैं। 5 बंदे बोलते हैं कि बिठा लेंगे, लेकिन हम भाई इंडिया वाले हैं, हम इसमें 5 की जगह 7 भी भर सकते हैं, 8 भी भर सकते हैं, और बच जाए तो भाई 2 गोदी में मैं ही बिठा लूँगा। अरे भाई लग गई है भूख, वैसे मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अभी खाना खाना रह गया, दूध के ऊपर खाना नहीं खाते हैं ऐसा मैंने सुना है। और ये है हमारे पास में मॉकटेल, रसबरी फिज, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, तो हम ये लेंगे, कुछ नया सा लग रहा है। एप्पल जूस ऑरेंज जूस तो पीते रहते हैं, ये थोड़ा सा फिजी है। ये भाई खाने को ने लगा के रखे हुए, और दुबई के हर लॉन्च इवेंट में ना कुछ इस तरह का ही खाना होता है, मतलब वेज ऑप्शन ढूंढना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद ये है कुछ, इसमें भी डर लगा रहता है कि एग नाउ फ्रूट्स ही खाने पड़ेंगे आज। भाई देखो लोगों के खाने की प्लेट में खाना होता है, हमारे खाने की प्लेट में है माइक। और एक चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि इन लोगों ने लिख के रखा है भाई यहाँ पे, जिस चीज़ में एग है उसमें एग लिखा हुआ है, जिस चीज़ में नॉन वेज है उसमें नॉन वेज लिखा हुआ है, वेजिटेरियन यहाँ पे प्रॉपर लिख के रखा हुआ है, ये काफ़ी सही लगा मुझे। तो भाई मैं ढूंढ रहा था कि इसका डोर कहाँ से खोलेगा, यहाँ पे कुछ दे के ही रखा है, फिर देखा कि यहाँ पे कोई बटन दे के रखा है, वो टच कैपेसिटिव बटन है, सिर्फ ऐसे करो और डोर खुल जाएगा। तो ये ड्राइविंग सीट है, दुबई में उल्टी तरफ ड्राइविंग होती है, कुछ इस तरह का अंदर का फर्स्ट व्यू है आप देख सकते हो। यहाँ पे
साइबर ट्रक लिखा हुआ है, और बिकॉज यहाँ पे बीच में ये हो रहा है तो डस्ट वगैरह आ गई, रेती वगैरह आ गई है थोड़ी। अंदर बैठते हैं और ये विंडो ओपन का बटन देके रखा हुआ है, ये डोर ओपन का बटन देके रखा हुआ है, और ये अंदर से डोर खोलने का बटन देके रखा हुआ है। तो अगर हम बंद करते हैं कुछ इस तरह, तो भाई सीट पे बैठ चुके हैं, काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस है। सबसे पहले आपको ये स्टेयरिंग व्हील दिखाता हूँ, ये ऐसा लग रहा है किसी हवाई जहाज की स्टेयरिंग व्हील है भाई। यहाँ पे लोगो भी देके रखा हुआ है इसका, और तिरछा वाला इस तरफ यहाँ पे इंडिकेटर है, और इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे आपका कैमरा भी चालू हो जाता है। ये भाई इसके माइक्रोफोन के लिए देके रखा हुआ, अगर आपको कुछ वॉइस कमांड देना है इसको या फिर कुछ AI से पूछना है आपको तो उसके लिए। और ये भाई इसके वाइपर्स हैं, ये देख सकते हो, सुपर कूल है। और यहाँ पे बहुत ही छोटा सा क्यूट सा इसका मिरर देके रखा हुआ है, यहाँ पे पूरा बंदा आ जाता है लेकिन काफ़ी छोटा सा क्यूट सा देके रखा हुआ है। और इसके ऊपर कुछ इस तरफ यहाँ पे इसकी टच कैपेसिटिव अगेन लाइट के बटन्स देके रखे हुए हैं, दोनों लाइट जल जाती है, काफ़ी अच्छी खासी रोशनी ये प्रोवाइड करा रही है। तो आपको कोई भी बटन नहीं दबाना, बस टच करो मतलब टैप करो और ये चालू हो जाएगा। और धूप से बचने के लिए ये भी देके रखा हुआ। और एक चीज़ मैं नोटिस करी कि और किसी भी कार में मतलब इतना अच्छा प्रीमियम सा सॉफ्ट सा मटेरियल मैंने आज तक नोटिस नहीं करा है, सिर्फ इसी वाली में मैंने नोटिस करा, बहुत ही अच्छा सा मटेरियल लग रहा है। ये भी मतलब काफ़ी स्मूथ सा हो गया, और इसके अंदर अगर आपको कुछ चीज़ छुपा के रखनी है तो वो यहाँ पर भी, ये भी काफ़ी अच्छा सा स्पेस देके रखा हुआ है भाई। बहुत ही स्पेशियस सा साइबर ट्रक लग रहा है, पीछे का भी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी सी ही देर में। उससे पहले आप दोस्तों इसकी स्क्रीन देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के अंदर जो फीचर्स हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह ये एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई ये इसके मोड्स देके रखे हुए हैं, जैसे कि AC के मोड्स आप देख सकते हो। यहाँ पे हम इसको ऑटो पे कर सकते हैं, ऑटो पे करते हैं तो भाई ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है बिकॉज गर्मी हो रखी है दुबई में। इस तरफ से इसके दोस्तों वेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ही अच्छी सी हवा ये फेंक रहा है। आई होप कि माइक में ज़्यादा इसकी तेज़ आवाज़ नहीं आ रही होगी। और ऑटो को क्लोज करते हैं अगर, तो यहाँ पे आप इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो कि आपको फेस पे हवा चाहिए या फिर आपको बॉडी पे हवा चाहिए या फिर आपको लेग्स पे हवा चाहिए। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो दोस्तों। और रियर का भी दोस्तों आप यहाँ पे डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा सा AC वाला इफेक्ट यहाँ पे निकाल के दे रहा है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टेस्ला छपी हुई है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे इसके बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे आप राइड की जो हाइट है वो भी एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये लोड हो रहा है, हमने इसको हाई पे करा है, आप इसको लो पे भी कर सकते हो और ये इसकी भाई हाइट एडजस्ट करेगा लिटरली। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटो पायलट मोड भी देके रखा हुआ है, लॉक्स वाला मोड भी देके रखा हुआ है, चार्जिंग मोड देके रखा हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस वाले सेटिंग के अंदर जाके एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे इसकी सारी एप्लीकेशन वगैरह आ गई। ये भाई इसका कैमरा वाला मोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ही एंगल्स से जितने कैमरे लगे हुए हैं सारे मोड्स निकल के आ रहे हैं। ये पीछे वाला कैमरा है, पीछे आप रेत देख सकते हो, लेफ्ट एंड राइट साइड आप देख सकते हो, और फ्रंट में भी आप देख सकते हो जो W होटल है वो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। और कैमराज काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, स्पेशली इस जो बड़ी सी स्क्रीन है इसमें पूरा सा व्यू आ रहा है इसका काफ़ी अच्छा। ये भाई इसका रेडियो का बटन है, ये रेडियो यहाँ से हो गया चालू और हो गया बंद। ये रेडियो के अलग अलग चैनल्स देके रखे हुए हैं। इसमें भाई स्पॉटिफाई भी देके रखा हुआ है, यहाँ पे आप सिंपली स्कैन कर सकते हो और अपने जो सॉन्ग्स हैं वो इजीली प्ले कर सकते हो। और भाई यहाँ पे यूट्यूब जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी चला सकते हो, और यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन जैसे कि नेटफ्लिक्स, टिकटॉक भी देके रखा हुआ है। टिकटॉक में जो स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है ना वो भी अच्छा देके रखा हुआ है, सीम्स लाइक इन लोगों ने 120Hz की डिस्प्ले यहाँ पे यूज़ करके रखी हुई है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अब भाई देख सकते हो हमने यूट्यूब पे अपना चैनल भी चला दिया यहाँ पे टेस्ला साइबर ट्रक के अंदर, टेक पेरिमेंट्स। ये भाई टेक पेरिमेंट्स है, टेक एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, टेक पेरिमेंट्स। एक्स साइलेंट है और मेरी एक्स सही साइलेंट है। और भाई अंदर चलते हैं, अंदर से इसका व्यू कुछ इस तरह से निकल के आ रहा है। अंदर की तरफ भी यहाँ पे स्क्रीन देके रखी हुई है, ऊपर की तरफ भाई आप यहाँ पे रूफ देख सकते हो इसका, बहुत ही बड़ा साइज, यहाँ पे बहुत सी सॉफ्ट सी लाइट आ रही है, आई एम श्योर इसको भी हम एडजस्ट कर सकते होंगे। 3 सीट यहाँ पे है, 2 आगे हैं, लेकिन हम भाई इंडिया वाले हैं, हम इसमें 8 आदमी बिठा के जाएंगे, सब गोदी में बंदे बिठाएंगे अपने साथ में। और यहाँ पे भी AC देके रखा हुआ है, और यहाँ पर भी स्पीकर देके रखा हुआ है पीछे की तरफ ठीक सामने। यहाँ पर इसको खोलने की कोशिश कर रहा है, मेरे को लगा कि भाई ऐसे ही अपना इंडिया की तरफ उठा लेंगे, लेकिन इसके ना अंदर यहाँ पे बटन देके रखा हुआ है भाई। तो ये बटन दबाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली भाई ओपन हो जाता है। आगे भी यहाँ पे छोटा सा बच्चा सो सकता है यहाँ पे, बस गर्मी ज़्यादा ना हो जाए। साइबर ट्रक लिखा हुआ है यहाँ पर भी, और इसको भाई बंद करने के लिए भी इसको हमें खींचना नहीं है, इसको बंद करने के लिए भी हमें ये सेम बटन दबाना है और ये अपने आप बंद हो जाएगा भाई। तो एफर्ट्स कम किए जा रहे हैं विद द साइबर ट्रक। तो भाई वीडियो बना ली है, अभी थोड़े हमारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं उनको भी बनाने देते हैं वीडियो। भाई साहब लकोस्टे के बैग, लकोस्टे के चश्मे, टेस्ला की गाड़ियाँ, क्या हो रहा है यहाँ पे दुबई में।